मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद बैनुल सूबाई वज़ीरे तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। बैनुल सूबाई वज़ीरे तालीम का इजलास आज 11 बजे होना था, जो कि मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस का जायजा लिया जाना था। वजारत तालीम के मुताबिक इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदा सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा बताएगा, कोरोना के वार थमने का नाम नहीं ले रहे, जायजा लिया जाना था आज, क्यों इसमें इसको मुलतवी कर दिया गया? जी बिल्कुल, कोरोना जो है वो दिन ब दिन कोरोना केसेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और आज इसी हवाले से बैनुल सूबाई वज़ीरे तालीम का इजलास जो है वो मुनक़िद किया गया था, लेकिन कोरोना केसेस के बढ़ते हुए तादाद की वजह से आज जो इजलास 11 बजे शुरू होना था उसको मौखर कर दिया गया है। और इजलास में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते जायजा भी लिया जाना था और इस इजलास में तमाम सूबों के जितने भी सूबाई सेक्रेटरीज तालीम थे वो भी हिस्सा लेते, लेकिन आज बढ़ते हुए केसेस की वजह से ये इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया है और इजलास जो है वो अगले हफ्ते तक ये मौखर किया गया है। और आज के इजलास में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद छुट्टियों के हवाले से ये अहम इजलास जो है वो मुनक़िद किया गया था, जिसको मौखर कर दिया गया है। जी, आज ये इजलास होना था जो कि अब एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। आप हमें अपडेट कर रही थी सबा, बहुत शुक्रिया आपका।